हेलो एवरीवन, आज हम बना रहे हैं द वेरी टेस्टी कैरमल कस्टर्ड पुडिंग। तो उसके लिए हम बनाएंगे कस्टर्ड फ्रॉम द स्क्रैच, यानी स्टार्टिंग से कस्टर्ड विदाउट पाउडर कैसे बनाते हैं और फिर उससे फर्दर कैरमल कस्टर्ड पुडिंग कैसे बनाएंगे। तो आइए क्विकली इसे स्टार्ट करते हैं हम बनाना। इसके लिए सबसे पहले हमने एक बर्तन में दूध ले लिया है, नॉर्मल मिल्क है ये, इसको हम ले रहे हैं आधा लीटर और इसके अंदर हम डालेंगे शुगर। तो शक्कर हमने ली है आधा कप से थोड़ा सा कम और इसके अंदर अब हम डाल रहे हैं वेनीला एसेंस। तो ये हम एक बड़ा चम्मच डाल रहे हैं, 1 tablespoon ऑफ वेनीला एसेंस। तो इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, लेकिन गैस की फ्लेम हमने अभी ऑन नहीं की है क्योंकि इसमें अभी हम कुछ और भी चीज़ें मिलाएंगे, तो उसकी पहले तैयारी कर लेते हैं। अब यहाँ हमें चाहिए है अंडे की जर्दी यानी एग योक्स। तो अलग से हम एक बोल ले लेते हैं, दो बोल्स में हम जर्दी और सफ़ेदी अलग कर लेंगे। तो दो अंडे हम इसमें ले रहे हैं, दो अंडे की जर्दी को हम यूज़ करेंगे। तो अब जर्दी को फेंट लेते हैं और इसके अंदर हम डालते हहैं कॉर्नफ्लावर। तो कॉर्नफ्लावर हम ले रहे हैं 3 छोटे चम्मच यानी 3 teaspoons ऑफ कॉर्नफ्लावर। फिर इसको आप मिला लें अच्छे से, ये एक बैटर फॉर्म में आ जाएगा। तो हमारा बहुत गाढ़ा बैटर तैयार है। इसके अंदर हम थोड़ा सा दूध डालते हैं, 2 से 3 teaspoons के करीब, और इसको हम अच्छे से मिक्स करके पतला कर लेंगे और ये अच्छा लिक्विड फॉर्म में अब आ गया है। तो अब दूध जिसमें हमने शक्कर और वनीला एसेंस मिला के रखा था, उसकी गैस की फ्लेम हमने ऑन कर दी है और हल्का सा, जैसे ही हल्का सा गर्म होता है, वार्म होता है, बस वैसे ही हम ये जो हमने स्लरी तैयार करके रखी है वो इसमें हम ऐड कर देंगे और कंटिन्यूस चलाते रहेंगे। फिर तो मिक्स करते रहें और ये बहुत ही जल्दी 1 मिनट में बिल्कुल थिक हो जाएगा, गाढ़ा होने लगेगा, पकने लगेगा। तो वैसे ही हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो ये देखिए इसमें उबाल आ गया है, ये बहुत अच्छा थिक भी हो गया है। तो अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देते हैं और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट, हमारा कस्टर्ड तैयार है जो हमने बनाया है विदाउट एनी कस्टर्ड पाउडर। तो इस तरह से आप घर पे बहुत आसानी से बना लें। तो ये पुडिंग के लिए कस्टर्ड हमने बना लिया है और अब हम कैरेमल की तैयारी करते हैं। तो इसके लिए हमने पैन ले लिया है, उसमें हम डाल रहे हैं शुगर, वो हमने 1/4 cup ली है, 1/4 cup। तो अब गैस की फ्लेम हमने कर दी है ऑन और ये देखिए धीरे धीरे जो है शक्कर वो पिघलना स्टार्ट हो गई है। और जैसे ही अब ये कैरेमलाइज हो जाएगी तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और थोड़ा सा इसको अच्छे से पका लेंगे 2-3 मिनट के लिए और। तो ये देखिए अब बहुत अच्छी कैरेमलाइज हो गई है, इसमें हम थोड़ा सा पानी डालते हैं और इसको 2-3 मिनट के लिए पका लेते हैं। तो ये रहा इसका सिरप, बिल्कुल रेडी है। अब इस कप में हम बनाएंगे अपनी कैरेमल कस्टर्ड पुडिंग। तो इस कप में हमने सबसे पहले वो सिरप डाल दिया है और इसके ऊपर हम डालेंगे कस्टर्ड जो हमने रेडी करके रखा है, तो वो हम इसके ऊपर डाल देते हैं ऊपर तक। इसको थोड़ा लेवल अप कर देते हैं एक स्पून से, फिर इसको हम ढक देंगे, कवर कर देंगे सिल्वर फॉइल से अच्छे से और फिर इसको हम रख देंगे, स्टीम देंगे बस थोड़ा सा 8 से 10 मिनट के लिए किसी बर्तन में। आप चाहे नमक डालें चाहे पानी डाल के उसके अंदर ही हम इस कप को इस तरह से रख दे रहे हैं और 10 मिनट बाद हम इसको निकाल लेंगे। तो इसे अब लो फ्लेम पे 10 मिनट हो चुके हैं, तो अब कप को हम बाहर निकाल लेते हैं, केयरफुली निकाल के रखें। तो अब 8 से 10 मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं बाहर रूम टेम्परेचर पे, हल्का ठंडा होने के लिए, ताकि इसकी हीट जो है वो थोड़ी कम हो जाए। और फिर 10 मिनट के बाद हम इसे रेफ्रिजरेट कर देंगे, फ्रिज में रखेंगे 6 घंटे के लिए। तो 6 घंटे हो चुके हैं, हमने इसे बाहर निकाल लिया है, इसका फॉइल हटाते हैं और थोड़ा सा आउटलाइन पे हम नाइफ से ऐसे कट कर लेते हैं ताकि ईजिली निकल सके। तो हमने आपको 1 कप बना के दिखाया है, लेकिन इतनी ही क्वांटिटी में, आधा लीटर दूध में आप आराम से 8 से 10 कप बना सकते हैं। अब एक प्लेट की हद से हम इसे उल्टा करेंगे अपसाइड डाउन और फिर उसको ऊपर से थोड़ा सा पैक कर लें ताकि लूजन अप हो जाए, आसानी से निकल सके। और धीरे से आप इसे पुल करें कप को, तो पूरा हमारा जो कैरेमल कस्टर्ड पुडिंग है ये देखिए गॉर्जियस इट हैज कम आउट। सो इट इज एक्सट्रीमली टेस्टी, जो सिरप है एंड द कस्टर्ड टेस्ट so good together and do try it, आपको जरूर पसंद आएगा। and if you like it then please like करें, share करें और subscribe करें हमारे channel को। thank you so much, bye।